Hello guys, today we are discussing what is a recursive function in C language. Recursion क्या होता है? ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ. I am Sachin Bhardwaj, computer programmer. Welcome to our channel. Let's start the topic. What is a recursion and recursive function in C language? C language में recursive का role क्या होता है? तो very first, when the function call itself, that is called the recursive. जब function अपने आप को ही call करता है, उसे बोलते हैं हम recursive. And recursive is a process which come into the existence when a function call copy of itself to work the smaller problem. Any function which are called itself is called the recursive function, and such function call are called the recursive calls. Recursive involve the several numbers of recursive calls. When, however, it is important to impose to termination condition of recursion. Recursion code is shorter than the interactive code, however, it is difficult to understand. Recursive cannot be applied to all the problem, but is more useful for the tasks that can be defined in terms of similar subtasks. For example, recursive may be applied to sorted searching and traveling problems. यानी कि simple है कि when the function call itself, इसको हम बोलते हैं recursive function, अपने आप को ही call कर रहा है, number of time, इसके अंदर हम looping का use नहीं करते, क्योंकि ये भी एक तरह की looping ही होती है. और रिकर्सिव का बेसिक मोटिव ये होता है कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना एंड स्मॉलर प्रॉब्लम्स के थ्रू वर्क कराना. मतलब कि सीधी सी बात ये है कि एक जो प्रोसेस हमारे पास हो रहा है वो री एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है. जैसे हमारे पास फिबोनाची सीरीज होती है, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर होता है, या किसी नंबर का फ्रैक्शन नंबर निकालना हो, या कोई सीरीज प्रिंट करनी हो, इसमें हम मोस्टली यूज करते हैं रिकर्सिव फंक्शंस का, राइट. तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिमिटेशन भी है इसकी रिकर्सिव फंक्शन की अप्रोच की. सबसे पहले जो रिकर्सिव फंक्शन की अप्रोच है वो है रिकर्सिव सॉल्यूशन में इन्वॉल्व द इंसेंटिव सॉरी एक्सटेंसिव ओवरहेड बिकम दे आर फंक्शन कॉल. ईच फंक्शन कॉल द रिक्वायर्ड पुश ऑफ द रिटर्न मेमोरी एड्रेस. यानी कि उसमें रिटर्न जरूर होगा, इफ एल्स का प्रोसेस जरूर होगा. इफ जब हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट भी हमने लगा रखी होगी. तो रिकर्सिव की कुछ लिमिटेशंस है कि स्विच के अंदर हम यूज नहीं कर सकते रिकर्सिव फंक्शंस को, बड़े प्रोग्रामों में यूज नहीं कर सकते. यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है, बट उसकी स्टैक और हीप मेमोरी एलोकेट होती है, तो इसलिए इस टाइम फंक्शन यू कैन यूज अप सम ऑफ योर मेमोरी एलोकेशन मे बी इन स्टैक एंड हीप, राइट. तो आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास मेमोरी यूज हो रही हो वो स्टैक और हिप से होती है, इसमें एलोकेट होती है, और जो उसका रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न लेके आता है. यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट का बहुत यूज किया जाता है और इफ एल्स का यूज किया जाता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है आपको. जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम है, आपको निकालना है फैक्टोरियल ऑफ नंबर. फैक्टोरियल ऑफ नंबर आप सब जानते हो, जैसे मैंने 3 इनपुट करा तो 3 का फैक्टोरियल होता है 3:2:1, दैट इज कॉल्ड 3:2:6, 6:1, दैट इज कॉल्ड द 6. यानी कि अगर हमने 3 इनपुट करा है तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा. तो जैसे आप ये प्रोग्राम देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने एक प्रोटोटाइप बना रखा है, सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पे मैंने एक प्रोटोटाइप बना रखा है. यानी कि वो रिटर्न भी करेगा और आर्गुमेंट भी लेके जाएगा. तो यहाँ से वो फंक्शन अपने आप में एक आर्गुमेंट लेके जाता है, और आर्गुमेंट लेने के बाद ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है. और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है हमारे पास कि इंट फैक्ट और ये फंक्शन हमारे पास बना हुआ है, और ये नॉर्मल तरीके से हमने यहाँ पर एन की अगर वैल्यू 0 है तो 0 का फैक्टोरियल 0 होता है, और अगर एन इक्वल टू 1 है तब भी उसका फैक्टोरियल 1 ही होता है. लेकिन मैंने एल्स में रखी है कंडीशन, दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन. यानी कि यहाँ पर फंक्शन का ही नाम है, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसी का नाम गिवन है, तो दिस इज नॉन एज द रिकर्सिव फंक्शन व्हेन द फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ. यानी कि उसके रिटर्न स्टेटमेंट उस फंक्शन की कॉलिंग बना रखी है, राइट. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका प्रोसेस कैसे हुआ. तो इस प्रोग्राम को आप एक बार टाइप कीजिए, लिखिए इसे, और फिर इसके बाद ये प्रोसेस समझिए कि ये प्रोसेस होता कैसे है. तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि अगर हमने 5 इनपुट करा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका आंसर आ जाएगा 120 किस तरह से होता है. 5 जैसे हमारे पास रिटर्न हुआ तो फैक्टोरियल ऑफ 5 यानी कि उसमें से एक वैल्यू लेस हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड 120. और 120 जैसे हमारे पास आता है तो वो इस स्टेटमेंट से होता है, यानी कि n माइनस 1, राइट. तो अब आप देख सकते हो कि रिटर्न 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, तो इसके बाद 3:4 हो गया 24, 3:2 हो गया 6 हो गया, 2:1 हो गया तो दैट इज 1:0 हो गया. दैट इज द सिंपल वे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि फैक्टोरियल किस तरह से निकाला गया, रिकर्सिव का प्रोसेस क्या होता है, रिकर्सिव हमारे पास कैसे चला.
यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो भी हमने इनपुट करा उसका सीधा प्रोसेस उसने करके दिखा दिया 120, फिर उसको उसी फंक्शन को रिपीटेड कॉल कर रहा है। यानी कि अगर हम प्रोग्रामिंग में देखे जाए कि रिपीटेड टास्क क्या होती है, तो रिपीटेड टास्क में आपके लिए यहाँ पर जो रिकर्सिव फंक्शन है वो भी यूजफुल रहता है, राइट। यानी कि या तो हम लूपिंग के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फिर हम रिकर्सिव फंक्शंस को यूज करते हैं, राइट। तो आइए अब मैं आपको उसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ अपने टर्बो C++ पे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शंस, और रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू हम कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को वो आप देखिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। और सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम जो हमें स्टार्टअप करना है वो हम बना लेते हैं। यहाँ पर एडिट में जाके सबसे पहले यहाँ से कॉपी लीजिए, और कॉपी लेने के बाद अब यहाँ पर हम यहाँ पर एडिट में जाके कॉपी लेते हैं, और कॉपी में जाके हम न्यू करते हैं, और न्यू में हम यहाँ पर दोनों हेडर फाइल्स को सबसे पहले पेस्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से प्रोग्राम को करना है। सबसे पहले हम एक प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे इंट फैक्ट नाम से, और उसी के अंदर हम आर्गुमेंट भी ले लेते हैं, यानी कि विद रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट वाला कंसेप्ट, और यहाँ से हम वॉइड मेन का अपना कंसेप्ट रखते हैं, और वॉइड मेन के बाद हम यहाँ पर सिंपल तरीके से अपने कुछ वेरिएबल्स जो हम डिक्लेयर करते हैं इंट एन कॉमा एफ, इंट एन कॉमा एफ ले लेते हैं दो वेरिएबल्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं सिंपल n इक्वल टू 5 ले लेते हैं, और 5 लेने के बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर f इक्वल टू फैक्ट, और फैक्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर n को पास ऑन कर दोगे यहाँ से, यानी कि यूजर से अगर इनपुट लेना है तो यहाँ पर आप स्कैन f भी कर सकते थे ऊपर, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट f में परसेंटेज d, और सीधा आप वैल्यू को प्रिंट कर दोगे f को, और फिर उसके बाद यहाँ पर गेट सी एच ये लिखना है आपको सिंपल तरीके से। एंड अब आपको यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो बनाना है, इंट एन को पास कर दिया आपने, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपल तरीके से आपको प्रोग्रामिंग मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर इफ एन इक्वल टू जीरो, अगर जीरो है हमारे पास, अगर हमारे पास जीरो है तो हमारे पास इधर जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर रिटर्न जीरो हो जाता है, क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल जीरो होता है। और अगर हमारे पास यहाँ पर एल्स इफ लिखा है मैंने एन इक्वल टू वन, तो भी हमारे पास रिटर्न में क्या आ जाएगा, हमारे पास रिटर्न में वन ही आएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो कि रिटर्न यहाँ पर वन लिख दिया है, और वन लिखने के बाद आप देख सकते हो कि अब मेरा पास जो एक्चुअल में कंसेप्ट बन रहा है रिकर्सिव फंक्शन का वो यहाँ से आता है हमारे पास, यानी कि रिकर्सिव में जब मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और रिटर्न में मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पर एन माइनस फैक्ट, जो मेरा क्वेश्चन है सॉरी फैक्ट जो फंक्शन का नाम है फैक्ट एन माइनस वन, एन माइनस वन वो देना पड़ेगा, और यहाँ से बंद कर देना पड़ेगा इसको। और देन उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मैंने एक बना लिया है अपना प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का जो बेसिक मोटिव है तो वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने ये प्रोग्राम चलाया है। और अब इसको चलाते हैं, इसको रन करते हैं कि कोई एरर ना आ रहा हो, राइट। तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो जैसे मैंने 5 इनपुट करा था तो 5 का 120 इसका आंसर आना चाहिए। तो देख सकते हैं हम इसका आंसर हमारे पास 5 का क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 डालता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो 3 डालते हैं यहाँ पर, राइट। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पर सॉरी गलत आया ये आंसर, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास आंसर। तो दिस वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लाई, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो 6 आ चुका है, किस तरह से आया है वो देखते हैं। क्लियर स्क्रीन मैंने कर दिया है, राइट। अब चला के देखते हैं इसका 6, दैट इज अ फैक्टोरियल ऑफ 3 नंबर्स। अगर मेरे को 5 का डालना होगा तो किस तरह से डालना होगा वो देख सकते हो आप 5, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 का 122 आंसर यहाँ पर आ चुका है। और जब ये ऐसे प्रोग्राम जब आप करते हो तो एक बार आप ट्रेसिंग जरूर करके देखें,
यूजिंग द F7, तो यहाँ से क्लियर होती है. फंक्शन पे कॉल होता है 5, 5 जीरो कैलकुलेंट नहीं है, 1 कैलकुलेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर फ्री प्रोसेस देख सकते हो आप. फंक्शन कॉल इटसेल्फ कैसे प्रोसेस चल रहा है हमारे पास. तो गेट सी एच होते ही यहाँ पर 120 यहाँ पर आंसर आ चुका है, राइट. तो आपको समझ में आ गया होगा व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.